नमस्कार दोस्तों, आप सभी का ऑफ बिजनेस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है, जहां हम आज आपको गेहूं बाजार की सबसे ताजा अपडेट्स देंगे। आज की वीडियो में हम लाए हैं कुछ दिलचस्प खबरें और भविष्यवाणी गेहूं किसानों और व्यापारियों के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पिछले हफ्ते दिल्ली गेहूँ बाजार में रोचक तेजियाँ देखी गई। सोमवार को दाम 2460 से 2465 प्रति क्विंटल पर शुरू हुए और शनिवार शाम तक 2450 प्रति क्विंटल पर बंद हुए। कम मांग के कारण 15 रुपये प्रति क्विंटल की गिरावट हुई, लेकिन चिंता मत कीजिए, बाजार अभी भी मजबूत है। सरकार बाजार की सभी घटनाओं को ध्यान से देख रही है और भविष्य में कीमत पर नियंत्रण बनाए रखने का इरादा रखती है। अगर बाजार में उछाल दिखाई दे तो सरकार गेहूँ इम्पोर्ट करने का विचार कर सकती है, इसलिए इस हफ्ते बाजार पर गहरी नजर रखें। अगर दिल्ली बाजार आज सोमवार को 2430 प्रति क्विंटल पर बंद होता है तो जून 28 तक बाजार 2500 प्रति क्विंटल तक जा सकता है। दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको फ्री ऑफ बिजनेस मंडी ऐप के बारे में बताना चाहूँगा। आप हमारी फ्री ऑफ बिजनेस मंडी ऐप पर भारत के सभी राज्यों में गेहूँ के दाम पर नजर रख सकते हैं। हमारी फ्री ऑफ बिजनेस मंडी ऐप पर ये दाम डेली अपडेट होते हैं और साथ ही ये ऐप आपको रोज के मार्केट अपडेट्स भी देती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सरकार ने कीमतों में बढ़ोतरी पर रुकावट आने की आशंका रखी हुई है। बाजार में आने वाले गेहूँ की बढ़ोतरी से कीमत कम हो सकती है, लेकिन सिर्फ समय ही बताएगा कि क्या होगा। वहीं दूसरी ओर खाद्य मंत्रालय ने साफ कह दिया है कि राज्यों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम और अन्य केंद्रीय कल्याण योजनाओं के तहत उनके अनुपात से ज़्यादा गेहूँ की संख्या प्रदान नहीं की जाएगी। तो चलिए अब हम दूसरे राज्यों की तरफ बढ़ते हैं और देश भर में गेहूँ बाजार की हालत पर नजर डालते हैं। पंजाब बाजार में पूर्ण रूप से फिर से सुधार हुए हैं और कीमत सिर्फ थोड़ी सी उछली है अपने पीक लेवल से। उत्तर प्रदेश में कुछ बाजार जिनमें स्टॉक लिमिट की वजह से गिरावट का सामना करना पड़ा, फिर से पहले वाले दामों पर व्यापार करने लगे हैं, लेकिन कुछ बाजार में 100 रुपये प्रति क्विंटल तक की गिरावट भी दर्ज करी है। चेयरमैन और MD अशोक कुमार मीना ने घोषणा करी है कि सरकार ओपन मार्केट सेल स्कीम के तहत 1.5 मिलियन टन गेहूँ बेचेगी। यह सेंट्रल पूल स्टॉक निजी व्यापारियों, बड़े खरीदारों और गेहूँ उत्पादकों के लिए मार्च 2024 तक अवेलेबल करा जाएगा। एक खास खबर यह भी है कि गेहूँ के लिए पहला ई ऑक्शन जून 28 को होगा और उसमें 3 से 5 लाख टन के लिए बोली लगेगी। यूनिफॉर्म रेट सिस्टम के तहत रिजर्व प्राइस अच्छी क्वालिटी गेहूँ के लिए 2150 प्रति क्विंटल और एवरेज मिल क्वालिटी के लिए 2125 रुपये प्रति क्विंटल रखा गया है। खरीदार लोग कम से कम 10 टन और अधिक से अधिक 100 टन गेहूँ प्रत्येक ई ऑक्शन में बिड कर सकेंगे। बाजार में हवा बनी हुई है कि FCI के तहत ओपन मार्केट सेल स्कीम में गेहूँ की कोई बिक्री नहीं होगी। हालांकि FCI ने इस पर कोई जानकारी नहीं दी है। अगले अपडेट्स के लिए FCI पोर्टल पर नज़र बनाए रखें। तो आज के गेहूँ बाजार की अपडेट में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम जल्द लौटेंगे गेहूँ बाजार में हो रही हलचल के साथ। तो तब तक के लिए याद रखिए, बाजार की ताज़ा खबर मिले सिर्फ ऑफ बिजनेस ऐप पर। धन्यवाद।